गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर में मैं डॉक्टर वी एन पांडे बीएससी भाग प्रथम प्राणी शास्त्र की कक्षा का स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम आपके जूलॉजी तृतीय प्रश्न पत्र का आखिरी टॉपिक लेंगे, सेल डेथ, कोशिका मृत्यु। बच्चों, हम जानते हैं कि जीवन के साथ साथ मृत्यु सदैव जुड़ी हुई है। जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु है। मृत्यु को दो तरीकों से देखा जाता है, एक तो ऑर्गेनिज्म या जीव की डेथ और दूसरा सेल डेथ। ऑर्गेनिज्म या जीव की डेथ के बारे में दो अवधारणाएं हैं, एक तो ब्रेन डेथ कहलाता है, दूसरा फिजियोलॉजिकल डेथ कहलाता है। ब्रेन डेथ वो अवस्था है जब ब्रेन के विभिन्न भाग, सेरिब्रम, सेरिबेलम, हाइपोथैलमस, ब्रेन स्टेम, ये सभी कार्य करना बंद कर दें। और अगर सभी भाग कार्य करना बंद कर दें तो ऐसा व्यक्ति ब्रेन डेड या मृत कहलाएगा। ऐसे व्यक्ति में जीवन को रिवाइव करना संभव नहीं होता है। दूसरी डेथ फिजियोलॉजिकल डेथ कहलाती है, जब शरीर के जो महत्वपूर्ण तंत्र हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र और श्वसन तंत्र, रेस्पायरेशन एंड ब्लड सर्कुलेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण तंत्र हैं, जब ये दोनों तंत्र काम करना बंद कर दें तो ये फिजियोलॉजिकल डेथ कहलाता है। ऐसे मामले में सिद्धांत रूप में लाइफ सपोर्ट सिस्टम से कुछ समय तक व्यक्ति को जीवित रखा जा सकता है या वापस उसका जीवन भी दोबारा प्राप्त हो सकता है। अब बात करते हैं सेल डेथ, जो आज के टॉपिक का मुख्य बिंदु है। शरीर के विभिन्न क्रियाओं की बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है कोशिका मृत्यु। इसी के द्वारा शरीर की अवांछित कोशिकाओं को निकाला जाता है, हटाया जाता है। कोशिका की मृत्यु प्राकृतिक भी हो सकती है या कोशिका को किसी प्रकार के दुर्घटना या चोट या बीमारी के कारण भी कोशिका की मृत्यु हो सकती है। सामान्यतया शरीर में कोशिका मृत्यु एक सामान्य प्रोसेस है। प्रतिदिन बहुत बड़ी संख्या में कोशिकाओं की मृत्यु होती है और बड़ी संख्या में नई कोशिकाएं प्रतिदिन बनती हैं। लाखों रक्त की कोशिकाएं प्रतिदिन नष्ट हो जाती हैं। एपिथीलियम की बहुत सी कोशिकाएं प्रतिदिन नष्ट होती हैं और नई बनती हैं। तो इस तरह से कोशिकाओं का मृत होना और नई कोशिकाओं का बनना, ये शरीर के लिए बड़ी सामान्य बात है। देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल डेथ, कितने प्रकार की कोशिका मृत्यु हो सकती है। सबसे पहली, जिसको एपोप्टोसिस कहेंगे, इस तरह की सेल डेथ में विशेषता ये है कि बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं हो पाता है। ऐसी कोशिकाओं में का अपीयरेंस, इनका जो जैसा दिखाई देती हैं वो, इनका रूप बदल जाता है, आकार बदल जाता है। कैसपेज नाम के प्रोटीन होते हैं, उनको एक्टिवेट किया जाता है। ये प्रोटीन सामान्यतया सक्रिय नहीं रहते हैं, लेकिन जब एपोप्टोसिस होना हो, कोशिका को मारना हो, उस समय ये कैसपेज सक्रिय हो जाते हैं और कोशिका को नष्ट कर देते हैं। कोशिका के भीतर के जो भी कंटेंट हैं उनको तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं और फिर वो दूसरे कंपोनेंट्स के द्वारा खा लिए जाते हैं। इस प्रक्रिया में कोशिका के जो कंटेंट्स हैं वो लीक आउट करके मरी हुई कोशिका के बाहर नहीं पहुंचते हैं और जो भी कोशिका के कंपोनेंट्स हैं वो रिसाइकिल कर दिए जाते हैं, फिर उपयोग में लिए जाते हैं। अन्य कोशिकाओं को इसकी कोई हानि आसपास की कोशिकाओं को नहीं होने पाती है। ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ है या मैच्योर सेल डेथ है, अर्थात कोशिका के जीनों में ही
इसका प्रोग्राम निर्धारित रहता है, इसके जेनेटिक कोड उपस्थित रहते हैं, वो कब सक्रिय होंगे, जब वो कोड सक्रिय होंगे उसी समय कोशिका की डेथ होगी। सामान्य तौर पर परिपक्व कोशिकाओं की डेथ, मैच्योर सेल्स की डेथ इस तरीके से होती है। और जैसा मैंने बताया, कुछ विशिष्ट जीन होते हैं, उन जीन की सक्रियता से ही प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है। कोशिका पहले सिकुड़ती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाता है, क्रोमेटिन उसका कंडेंस हो जाता है और डीएनए टूट जाता है, सेल उसकी मर जाती है। तो यह है एपोप्टोसिस की प्रक्रिया। दूसरी प्रक्रिया ऑटोफैगी कहलाती है, ये भी प्रोग्राम्ड सेल डेथ ही है। उसमें बहुत से कोशिका के अंदर अनेक वैक्यूल्स बनते हैं, रिक्तिकाएं बनेंगी, और ये रिक्तिकाएं कोशिका के अंगकों को और कोशिका के न्यूक्लियस को नष्ट कर देंगी। अभी 2016 में जापान के सेल बायोलॉजिस्ट योशिनोरी ओसुमाई को इसी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार जापान के इस वैज्ञानिक को 2016 में प्राप्त हुआ था। उन्होंने इसका अनुसंधान किया था कि किस तरह से कोशिकाएं अपने कंटेंट को रिसाइकिल करती हैं, पुनः उपयोग में लेती हैं। तीसरा तरीका जो सेल डेथ का है, उसको नेक्रोसिस कहते हैं। ये पैथोलॉजिकल प्रकार की सेल डेथ है, ये वास्तव में प्री मेच्योर सेल डेथ है। कोशिका परिपक्व होने से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है। अगर कोई कोशिका इंजर्ड हो गई, उसमें किसी तरह से डैमेज हो गया, इंजरी हो गई, उसमें कोई बीमारी हो गई या उसमें इन्फेक्शन हो गया, और इन कारणों से वो कोशिका अपने सामान्य कार्य नहीं कर पा रही है, या वो कोशिका अन्य कोशिकाओं के लिए हानिकारक हो गई है, शरीर के लिए हानिकारक हो चुकी है, टॉक्सिक हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में उस कोशिका को कोशिका के भीतर की एंजाइम मशीनरी द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। ये जेनेटिकली प्रोग्राम्ड नहीं है, क्योंकि ये कोशिका के ऊपर उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों द्वारा निर्धारित होता है। जैसा मैंने बताया कि इन्फेक्शन, इंजरी आदि के कारण होता है, ये पहले से कोशिका के जेनेटिक कोड में लिखा हुआ नहीं होता है। इसमें कोशिका के जो विभिन्न अंगक हैं वो फूल जाते हैं और फूल करके फट जाते हैं। अगर रक्त की आपूर्ति कम हो जाए तो भी नेक्रोसिस होगा, कोशिका की डेथ हो जाएगी। अगर कोशिका में कोई टॉक्सिन या विषैला तत्व तो पहुंच जाए तो भी यही होगा, कोशिका की मृत्यु हो जाएगी। इस तरह की डेथ में कोशिका के कंटेंट लीक आउट हो सकते हैं, कोशिका के बाहर भी जा सकते हैं और अन्य कोशिकाओं को हानि भी पहुंचा सकते हैं। तो ये हमने तीन विधियां सेल डेथ की देखी। देखते हैं सेल डेथ की क्या मैकेनिज्म है, क्या इसकी विधि है। सामान्य तौर पर अगर कोई कोशिका, बहुकोशिकीय जीव की कोशिका बाकी कोशिकाओं से अलग कर दिया जाए, अन्य कोशिकाओं से उसका अटैचमेंट समाप्त हो जाए, तो वो कोशिका तो भी मर जाती है, डेथ हो जाती है। माना जाता है कि कोशिका को जीवन के लिए संकेत या सकारात्मक संकेत आसपास की कोशिकाओं से मिलते रहते हैं, और यदि कोशिका को अलग कर दिया जाए तो वो संकेत नहीं मिलते हैं, कोशिकाओं के बीच में कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है और कोशिका की मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा कई तरह के प्रोटीन्स पाए गए हैं जिनको सेल डेथ प्रोटीन कहते हैं। माना जाता है कि उन प्रोटीन्स का एक्टिवेशन ही कोशिकाओं की मृत्यु के लिए उत्तरदायी होता है।
कुछ प्रोटीन्स के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसी एक प्रोटीन है जो सबसे अधिक जिसकी खोज हुई है, जिसको कैस्पेजेज कहते हैं। ये एंजाइम है और ये जब सक्रिय हो जाते हैं तो एपोप्टोसिस की क्रिया होती है। ये कैस्पेज जो हैं, ये अन्य प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं, अन्य प्रोटीन्स को नष्ट करते हैं, जिसके कारण सेल डेथ होती है। कुछ कैप्सेज ऐसे भी पाए गए हैं जो सेल डेथ के अलावा अन्य कार्य भी करते हैं। दूसरा प्रोटीन प्रो डेथ प्रोटीन कहलाते हैं। ये प्रोटीन्स आपस में क्रिया करके और ये निर्धारित करते हैं, इनकी पारस्परिक क्रिया ही ये निर्धारित करती है कि कोशिका को एपोप्टोसिस करके मारा जाए या अभी और जीवित रखने दिया जाए। कुछ प्रोटीन्स को डेथ रिसेप्टर प्रोटीन्स कहते हैं। ये कोशिका की झिल्लियों पर पाए जाते हैं। माना जाता है कि जब कुछ विशेष प्रकार के साइटोकाइन भी एक प्रोटीन ही होते हैं, जब साइटोकाइन कोशिका झिल्ली पर आकर के इन डेथ रिसेप्टर प्रोटीन्स के साथ जुड़ जाते हैं तो उसके कारण कोशिका की मृत्यु होने लगती है। कोशिका में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिससे कोशिका की मृत्यु हो जाए। तो ये कुछ प्रोटीन्स पाए गए हैं। और यहाँ एक बात ये कहनी बहुत ज़रूरी है कि अभी भी कोशिका की मृत्यु के स्पष्ट कारण ज्ञात नहीं हैं कि किन किन कारणों से कोशिका की मृत्यु होती है। ये जो भी बताए गए हैं ये अभी संभावित कारण हैं, इसकी पूरी अनुसंधान होना अभी बाकी है। सेल डेथ के कारण और महत्व की चर्चा करेंगे। क्यों होती है सेल डेथ और उसका क्या महत्व? सबसे पहली बात, अगर कोई कोशिका की अब ज़रूरत नहीं रही तो उस कोशिका को नष्ट करने के लिए सेल डेथ होती है। और इसका महत्व तो यह है कि जो अनुपयोगी कोशिकाएं हैं, जिनका उपयोग नहीं है, वो नष्ट हो जाती हैं, उनका भार शरीर को नहीं ढोना पड़ता। जैसे उदाहरण लें कि मेंढक के टैडपोल में पूंछ होती है लेकिन वयस्क में पूंछ नहीं होती है। इस तरह से जब टैडपोल से वयस्क बनना है, मेटामॉर्फोसिस होनी है, तो उस समय पूंछ के ऊतकों की उपयोगिता समाप्त हो जाती है और इसलिए वो नष्ट कर दिए जाते हैं। ये पहला कारण हुआ और ये महत्व भी हुआ अनुपयोगी ऊतकों को नष्ट करना। दूसरा कारण है कोशिकाओं का रिन्यूअल करना, पुरानी कोशिका के बदले नई कोशिका को उत्पन्न करना। जैसा कि रक्त कोशिकाओं में और त्वचा की कोशिकाओं में देखा जाता है, एक समय के बाद वो कोशिकाएं कार्य सक्षम नहीं रह पाती हैं तो उनको रिप्लेस करके उनको नष्ट कर दिया जाता है, उनकी डेथ हो जाती है और उनके बदले उन्हीं के जैसी दूसरी कोशिकाएं जन्म लेती हैं, बन जाती हैं। तीसरा कारण क्या हो सकता है कि ऐसी कोशिकाएं जो इन्फेक्शन के कारण इन्फेक्टेड हैं, डिजीज्ड हैं, जो उपयोगी नहीं रह गई हैं, उनको नष्ट करना। जैसे WBC हैं, इन्फेक्शन के बाद उसमें बहुत से एंटीजन्स आ चुके हैं, तो ऐसी WBC को नष्ट किया जाना ही उचित रहता है। तो ये हम कह सकते हैं कि इससे एक तरह से पुनर्जीवन वाली बात है कोशिकाओं के लिए, रिजुवेनाइलेशन की बात है, पुनर्जीवन की बात है। दूसरा, अगर कोई कोशिका किसी विषैले तत्व के द्वारा डैमेज कर दी गई है या रेडिएशंस के द्वारा, विकिरण के द्वारा नष्ट कर दी गई है या वायरस के द्वारा इन्फेक्टेड हो गई है, तो ऐसी स्थिति में भी उसको नष्ट कर देना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये संक्रामक एजेंट्स या जो भी एंटीजेंस हैं, अगर ये वहाँ कोशिका में पड़े रह गए, इनको नष्ट नहीं किया गया, तो ये बाकी कोशिकाओं, बाकी ऊतकों के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं। तो इस तरह से सेल डेथ महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा जो अनुपयोगी कोशिकाएं हैं वो नष्ट की जाती हैं, ऐसी कोशिकाएं जो इन्फेक्टेड हैं, जो बीमार हैं, वो नष्ट कर दी जाती हैं, और ऐसी कोशिकाएं जो पुरानी हो गई हैं उनको बदल करके, उनको नष्ट करके उनके बदले नई कोशिका उत्पन्न की जाती है। इन कारणों से सेल डेथ जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और बच्चों, जैसा गीता में
भगवान कृष्ण ने कहा था, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नमा निगृहणाति नरोपराणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नमानि देही। भगवान कृष्ण ने कहा कि जैसे पेड़ के पत्ते पुराने होकर के टूट जाते हैं, नए पत्ते बन जाते हैं, उसी तरह से ये शरीर भी नष्ट होता है और नया शरीर बनता है। उन्होंने शरीर के लिए कहा था, इस पर कई तरह की बातें की जा सकती हैं, लेकिन कोशिकाओं के लिए गीता का ये श्लोक पूरी तरह से सही है। जैसे जैसे कोशिकाएं पुरानी होती जाती हैं, उन्हें नष्ट करके नई कोशिकाएं बनाई जाती हैं। तो बच्चों, इसी के साथ ये टॉपिक पूरा हुआ और इसी के साथ आपका ये तृतीय प्रश्न पत्र पूरा हो गया है। आपका ये पेपर मैंने गैमिटोजेनेसिस से प्रारंभ किया था, गैमीट का निर्माण, जहाँ से जीवन का प्रारंभ होता है, और उसके बाद सभी टॉपिक्स एम्ब्रियोलॉजी के लेते हुए मोरूला का निर्माण, ब्लेस्टुला का निर्माण, गैस्टुला का निर्माण, उसके आगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, प्लेसेंटा, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, एम्ब्रियोनिक कॉम्पिटेंस, डिफरेंशिएशन, ये सभी टॉपिक्स लेते हुए हमने पीडोजेंसिस, नियोटेनी, इन टॉपिक्स को कवर किया। साथ ही साथ हमने जो एम्ब्रियोलॉजी के कुछ विशिष्ट टॉपिक्स हैं, जैसे अभी सेल डेथ की बात की, एजिंग की बात की, टेरेटोजेंसिस के बारे में हमने आपको पढ़ाया, क्लोनिंग के बारे में हमने आपको पढ़ाया। तो इस तरह से इस पेपर से संबंधित सभी टॉपिक्स आपको पढ़ा चुके हैं, कोई भी टॉपिक किसी भी रूप में शेष नहीं रहा है। तो आप इसको पढ़ें, जहाँ कहीं असुविधा हो वहाँ आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से या टेलीफोन के माध्यम से या अन्य जिस भी माध्यम से चाहें संपर्क कर सकते हैं। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसको पूछ सकते हैं, और जहाँ पर जो पढ़ाया गया है उससे अधिक जानने की इच्छा हो तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। मैं बात ख़त्म करने से पहले आपको पेपर के बारे में भी कुछ बता दूँ। अभी तक जो नीति बनाई गई है परीक्षा के लिए, उसके अनुसार परीक्षा के इस पेपर में आपको 10 सवाल, 10 प्रश्न प्राप्त होंगे, और उन 10 प्रश्न में से आपको कोई भी 3 प्रश्न करना होगा। यूनिट का कोई भी बंधन नहीं होगा, अर्थात कोई भी अगर 2 यूनिट आपका पूरी तरह से तैयार होगा तो 3 प्रश्न मिल जाएंगे। यद्यपि मेरी आपको सलाह है कि मात्र बीएससी फर्स्ट ईयर करना आपका उद्देश्य नहीं है, आपका उद्देश्य बीएससी करना है, ज्ञान प्राप्त करना है और आगे जीवन में उस ज्ञान का उपयोग भी करना है। इसलिए पढ़ाई में किसी प्रकार का इस तरह का लिमिटेशन ना रखें, पूरा का पूरा पाठ्यक्रम पढ़ें। जहां असुविधा हो मुझसे संपर्क करें, पूछ लें। मैं आशा करता हूं कि ये पूरा पेपर आपकी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पढ़ें, असुविधा हो तो पूछें। थैंक यू बच्चों।